अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ, आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 कर्नाटका। दोस्तों आज हम होस्कोटे में मौजूद हैं, जिधर आप देख सकते हैं एक शानदार और दीनदार, जी हां दोस्तों एक शानदार और दीनदार दस्तरखान रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, जिधर आप देख सकते हैं इधर सैनिटाइज का इंतज़ाम किया गया है और नमाजों के लिए जो भी मुसाफिर जो जा रहे हैं, आप देख सकते हैं हाईवे है दोस्तों, इधर सब इधर हाईवे जा रहा है, इधर भी कोई भी मुसाफिर जब इधर आकर खाना खाता है तब नमाज का भी इंतज़ाम किया गया है और हाइजीनिक फूड है दोस्तों। यहाँ का जो शेफ़ है वो शेरेटॉन यानी कि एक नामदार होटल, जैसा कि बेंगलोर शहर है, बेंगलोर का एक नामदार होटल शेरेटॉन उधर का शेफ़ है। दोस्तों आइए बात करते हैं और देखते हैं इनका जायका कैसा है और तमाम तफसीलात आगे की रिपोर्ट में। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सब चीज़ से हमारे को अच्छी तरह लग रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत सहूलतें हैं, खाने पानी का इंतज़ाम भी अच्छा है, बहुत टेस्ट में भी है और मकसद के लिए गए तो सही जगह है, बेड को खाने के लिए भी अच्छा है, सब चीज़ से सहूलत है, अभी बहुत से अच्छा लगा हमारे को, उसके लिए हम आने जाने के लिए पसंद कर रहे। इसी तरह का कोई नहीं था, अभी आ गया, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। शुक्रिया। हाईवे मद्रास ओल्ड मद्रास रोड में बेहतरीन होटल खोल को ही, फैमिली का भी सेटिंग अच्छा है, पसंद है सबको भी, नमाज का है, फैमिली का इंतज़ाम खाने बैठने के लिए अच्छा है। दूसरा मस्जिद में मक्का मस्जिद करके नज़दीक है, सब बात से हाईवे में कोई बात की क्या भी यह नहीं है, परेशानी नहीं है, फैमिली के वास्ते बेहतरीन है, खाना पानी है, कोशे पर्दे का भी है, यह सुन्नती तरीक़ा बैठ को खाना खाने का भी है। ये मेरा नाम सैयद अफजल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से, सभी भाइयों के दुआओं की बरकत से हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट का आगाज़ किया, जिसका नाम हमने दस्तरखान रखा जी, जो कि दस्तरखान सारी दुनिया के जो है ना लोग बिछा कर खाना खाते हैं, जिसको सिखाया हमारे और आपके आका नबी रहमत सारे आलमों की रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत सिखाई पूरी ज़िंदगी के लिए हमारे लिए, जिसको दस्तरखान कहा गया, ग़ुलामों की तरह बैठकर हमारे नबी खाया करते थे और इसी की तलखीन करते थे कि हम ग़ुलाम हैं, अल्लाह के ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी गुजारना सीखें, यही उनका सबक रहा। इसको मद्देनज़र रखते हुए इस्लामी ट्रेडिशंस को सामने रख कर हमारे तमाम बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाइयों को भी जो है ना हम लोगों उनकी जो है ना ख्याल रखते हुए हम लोगों ने जो है ना फुली फर्निश्ड और एकदम दमदार और शानदार, जैसे कि हमारे भाई ने कहा, इस तरह का एक रेस्टोरेंट हम अच्छा क्लीन एंड हाइजीनिक फूड के साथ, अच्छे से अच्छे खासा शेफ़ के साथ हम लोग जो है ना मैदान में उतरे हैं, ताकि हम लोगों को अच्छे से अच्छा खाना भी खिलाए, लोगों को अच्छे से अच्छा पानी भी पिलाए, अच्छे से अच्छे जो है ना बेवरेजेस भी दें और जो है ना लोगों की खिदमत करके अल्लाह को भी हम राज़ी करें और हम जो है ना इस्लाम के तर्ज पर जो हमारे नबी ने हमें तालीमात दी है उसके तर्ज पर हम लोग अच्छे तरीके से लोगों की खिदमत करने के लिए मैदान में आए हैं। आप इसे खिदमत कहें या बिज़नेस कहें, किसी भी अंदाज़ का अच्छे से अच्छा हम जो है ना खाना आपको जो है ना सर्व करेंगे और मुनासिब अंदाज में देंगे, ताकि जो है ना लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो। हम लोग चाहते हैं कि हमारे मुसाफिर यहाँ आए, खाए और नमाज भी जो है ना नमाज का भी माकूल इंतज़ाम हम लोगों ने किया, मुसल्ले का नमाज से भी जो है ना फारिग होकर जो है ना अपना सफ़र भी तय करें, लोगों को भी बताए इसके बारे में, सब जो है ना सारे मसाइल का हल जो है अल्लाह से रुजू है।
ہم لوگ خوب کھائیں بھی پئیں بھی، خوب عبادتیں کریں، لوگوں کی خدمت بھی کریں، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی جو ہے نا طبقے کا ہو، جہاں بھی رہنے والا ہو، جیسا بھی ہو، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، جو ہے نا بدھسٹ ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہمارا برادر ہو، کرسچن ہو، وہ سب ہم لوگوں نے پیدا کرنے والا خالق و مالک ایک ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، ہم اس کے بندے بن کر گزاریں، ہم سب کی خدمت کریں، انشاءاللہ اللہ سب کے لیے جو ہے نا عافیت کے فیصلے کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ہے نا ہمارے کاروبار میں ترقی دے، ہماری اس خدمت کو قبول بھی کرے جی، اور جو ہے نا آپ لوگوں کی خدمت کا جو ہے نا اللہ نے جو توفیق دیا اس کا بھرپور جو ہے نا ہم فائدہ اٹھائیں، اس کا جو ہے نا ہم آپ سے ادب گزارش کرتے ہیں، آپ سب لوگ آئیں ایک مرتبہ دیکھیں، اور آپ جو ہے نا خود اپنی جو ہے نا ریٹنگ آپ جو ہے نا بعد میں طے کر سکتے ہیں۔ دوستوں تو یہ رہے افضل بھائی، دوستوں ایسی تازہ ترین جانکاریوں کے لیے اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے نیوز 30 کرناٹکا۔